हेलो एवरीवन, दिस इज मी सहार मुगल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और यहाँ पर हो रहे हैं इलेक्शन। जी हाँ, दस्तूरी ग्रुप के यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपने वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ सीटों पर जो है लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, जनरल बॉडी इलेक्शन जो है यहाँ पर हो रहे हैं। आ जाए तो बात करते हैं और देखते हैं किसने किसको वोट किया। आ जाए, मौजूद है सीनियर सहाफी रजिया सुल्ताना। मैडम, मुझे आप ये बताएं कि आप यहाँ पर आई हुई हैं और आपने जो है इलेक्शन में पार्ट लिया था? नहीं, मैंने नहीं लिया था, बहुत अरसे पहले लिया था, मगर चूंकि अब मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं लिहाजा मैं जो ना मैंने आपके मुताबिक हिस्सा नहीं लिया। तो आपने अपने जो है वोट कास्ट कर दिया? ऑफ कोर्स मैंने कर दिया है। आप जो जिनको वोट कास्ट किया, आपकी जाहिर सी बात है आपके कलीग्स होंगे, दोस्त होंगे, तो उन्हीं को किया? इत्तेफाक से इसमें जो है दो हैं ग्रुप दस्तूरी में, लेकिन दोनों तरफ के भी लोग जो है ना मेरे हमारे बहुत अच्छे हैं, सीनियर भी हैं इसके अंदर, जूनियर भी हैं, मगर इन सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये दस्तूरी ग्रुप जो बना हुआ है, इसका पर्पस क्या है? मतलब मुख्तलिफ और भी ग्रुप्स हैं तो इनके भी इलेक्शंस होते हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये दस्तूरी ग्रुप जो है, जैसे बरना एक ग्रुप है हमारा, बरना के अंदर भी अभी तकरीबन जो है दो तीन ग्रुप हो गए, मगर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दस्तूरी के अंदर ये अब दो अलग अलग जो है धड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि दस्तूरी का मैं इसकी मेंबर इसलिए बनी हूँ कि मैं जब मेंबरशिप हो रही थी प्रेस क्लब की, तो बरना वाले थे, बरना वालों का होल्ड था उस वक्त, तो बरना वालों ने मुझे इतने अरसे तक, हालांकि मुझे इस फील्ड के अंदर तकरीबन 35 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, मगर मुझे कभी उन्होंने जो है ना मेंबर, इतना सारा सब कुछ तजुर्बा होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे मेरे हस्बैंड को इन्होंने मेंबरशिप नहीं दी, हमेशा इले बहाने करते रहे। लेकिन फिर मुझे जो है ना दस्तूरी वालों ने बहुत सपोर्ट किया उसमें, दस्तूरी से हटकर अभी मरहूम जो है ना अब्दुल हमीद छापरा साहब, गाजी सलाहुद्दीन साहब, मोहतरमा नरगिस खानम साहिबा जो इंतकाल हो गई, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी हमारी, उन्होंने और बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अच्छा, मुझे बताएं कि कितने कैंडिडेट जो है ना इस बार जो है सीट पे खड़े हुए हैं? देखें जाएगा, मजमूई तौर पे दो पैनल बने हैं और हर पैनल में यानी कि बाज ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पे लोग अनअपोज आ गए हैं, चार ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पे लोग अनअपोज आ गए हैं, मजमूई तौर पे आठ जो है वो ऊपर यानी कि ऑफिस बेरर होते हैं और नौ हमारे जगह मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं, तो 17 उम्मीदवार होते हैं, लेकिन चूंकि अनअपोज आ गए हैं तो कुछ उम्मीदवार जो है उसके अंदर से कम है, लेकिन ये कि दो पैनल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दस्तूर पैनल के नाम से एक है और एक जो है कि डेमोक्रेट्स के नाम से पैनल मौजूद है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? मतलब एक होता है तजिया होता है इंसान के पास, आपको क्या फील आ रहा है? देखिए, ये जो है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर का इलेक्शन है, केपीसी के इलेक्शन क्योंकि हर साल होते हैं तो उसके अंदर जो है ना प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा, कौन मतलब कौन हारेगा उसमें आसान होता है। ये इलेक्शन तकरीबन कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के इलेक्शन जो है वो 4-5 साल के बाद हो रहे हैं, तो ये वैसे होने तो हर साल चाहिए लेकिन नहीं होते बावजूद, तो इस साल हो रहे हैं, तो ये कहना अभी तो मुमकिन नहीं है। दोनों पैनल बाराली के भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो विन करें, देखें। टोटल 17 सीटें हैं और उस पर जो है तीन तीन लोग खड़े हैं हर सीट पर, तकरीबन किसी सीट पे तीन है, किसी पे दो है, इस तरीके से मुकाबला, यानी कि 1-to-1 भी है मुकाबला और कहीं पे ज़्यादा भी है। मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे 9 मतलब वो हैं उनकी सीटें हैं, उसके ऊपर जो है ना 15 उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे बताएं, आपने किसी सीट पे आज जो है खड़े हुए हैं? जी मैं सदारत के का उम्मीदवार हूँ। जबरदस्त, क्या बात है आपकी, तो क्या लगता है आपको किसकी जीत होगी? देखिए जी, उम्मीद होगी ऐसे तो जीत की उम्मीद पर ही आदमी खड़ा होता है, वैसे जीत और हार तो जाहिर होती है लेकिन ये जीत की उम्मीद पर ही खड़ा होता है इंसान, और आखिर तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए उसको यही उम्मीद होती है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन ये कि मैं इससे पहले भी 5 दफ़ा KUJ का सदर रह चुका हूँ, 5 दफ़ा जीत चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊँगा क्योंकि मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं यहाँ पे। कितने साल हो गए आपको सहाफत में? मुझे सहाफत में कोई
77 में मैं सावत में आया था, 77 से कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। अच्छा मुझे बताएं सर कि 77 से लेकर अब जो है 2021 चल रहा है, तो क्या फर्क आ गया सहाफत में? सहाफत में फर्क ये आया है कि देखिए सहाफत जो है ये काम है कम्युनिकेशन का, इबलाग का काम है। अच्छा इबलाग का काम जो है इसमें अब बहुत ज़्यादा बेहतरी इसलिए आ गई है कि अब कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गया है। जिस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था उस ज़माने में लोगों को खबर का इंतज़ार करना पड़ता था 24 घंटे तक कि कल जब अखबार आएगा तो फिर हम खबर पढ़ेंगे कि किसमें क्या हुआ है। अब इतनी फास्ट कम्युनिकेशन हो गई है कि अभी कोई इवेंट होता है और 5 मिनट के बाद अब मुझे घर में उसकी खबर मिल जाती है, डिटेल मिल जाती है और उसके बाद मुस्तकिल उसकी अपडेट्स जो है मिलती रहती हैं। तो ये कम्युनिकेशन फास्ट होने की वजह से जाहिर है बहुत बेहतरी हुई है, बहुत फायदा हुआ इस चीज़ से। अच्छा सर बेस्ट ऑफ लक, आप जीते यही उम्मीद है। जी हाँ नाजी हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं आप किस सीट पे खड़ी हुई हैं? मैं कह रही हूँ दस्तूर के जो ये इलेक्शन हैं उसमें डेमोक्रेट्स की तरफ से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए जो है वो खड़ी हुई है और मजे की बात यह है कि दोनों तरफ से सिर्फ मैं ही एक फीमेल कैंडिडेट हूँ। ये फर्स्ट टाइम आप खड़ी हुई हैं? हाँ मैं ये फर्स्ट टाइम खड़ी हुई हूँ, इससे पहले मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो है वो इलेक्शंस लड़ते रहे तो इलेक्शंस में हमेशा काम किया है, इस बार फर्स्ट टाइम है कि मैं इलेक्शन टीम मेंबर अब काम करती रही हैं। हमेशा इस बार थोड़ा अलग फील आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। हाँ थोड़ा सा अच्छा सा फील आ रहा है, थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है क्योंकि केबीसी के इलेक्शन हो तो मजा बहुत आता है। आपकी सपोर्ट क्या रही है? और हाँ ऑब्वियसली मैं डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट कर रही हूँ, डेमोक्रेट्स मेरा पैनल है तो मैं उन्हें ही सपोर्ट कर रही हूँ। ये है इलेक्शन अमूमन देखे जाते हैं सुने जाते हैं तो वहाँ पर नारे होते हैं मुख्तलिफ और लोग अपने स्लोगन्स यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्रेस क्लब में होता है? हाँ बिल्कुल होता है प्रेस क्लब में। और जो डेमोक्रेट्स का हमारा जो नारा है वो ये है कि जब हम आएंगे तो हम तब्दीली लाएंगे, तो हमारा यही नारा है डेमोक्रेट्स का और ये है कि हम इस ये वाले नारे के साथ इस स्लोगन के साथ के जब हम आएंगे इंशाल्लाह ताला आज शाम को जब हम जीतेंगे तो फिर हम जो है वो केयूजे के पैनल से जर्नलिस्ट के लिए और स्पेसिफिक क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो फीमेल जर्नलिस्ट के लिए इस साल जो है वो बहुत सारा काम करेंगे इंशाल्लाह, यू विल सी। अच्छा फीमेल्स जो हैं जर्नलिस्ट के जर्नलिज्म में नहीं आती हैं, अमूमन देखा जाता है कम आती हैं या सिर्फ एजुकेशन हासिल कर लेती हैं लेकिन वो फील्ड में नहीं उतरती हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी जो नई यूथ है, नई लड़कियां हैं, नई बच्चियां हैं उनके लिए? अच्छा देखिए हर फील्ड का ना एक चार्म होता है और अब चूंकि जो है वो इतने रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, सब जो है वो डिजिटल हो रहा है, वेब की तरफ सब जा रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो हो रहे हैं सबसे पहले। लेकिन जो है ना जर्नलिज्म की फील्ड जो है वो बिल्कुल आसान नहीं होती है, उस फील्ड में आने के लिए आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि आप जो है वो खुद भी जो है वो सच्चाई का सामना कर सके, आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको अपने सीनियर्स को जो है हमेशा इज्जत देना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो इट्स ओपन फॉर ऑल। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तो सर आप यहाँ पर प्रेस क्लब में मौजूद हैं अभी हम, और आपने क्या आज वोट कास्ट किया किसी को? अब बिल्कुल मैंने वोट कास्ट किया है अपने पूरे पैनल को और साथ में खुद को भी वोट कास्ट किया, जाहिर है मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं भी कैंडिडेट हूँ। लोगों जब इलेक्शंस होते हैं तो लोगों के स्लोगन्स होते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट हमारी पहचान है, मुख्तलिफ होते हैं, तो आपके कोई स्लोगन है इस तरह का? देखें हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अलबत्ता हम प्रेस क्लब में जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे जो सहाफ़ी उनके मसाइल या जिस किस्म के, तो हमारा स्लोगन यही होता है कि इनके मसाइल हल करना अपनी अपनी बीट पे। जैसे मैं क्राइम रिपोर्टर हूं और मेरे जो ग्रुप के लोग हैं उनमें कोई मसाइल होते हैं तो वो मुझसे रब्ता करते, मैं उन कोशिश करता मैं वो हल करूं। इसी तरीके से दूसरे लोगों ने किसी की सेहत का है, किसी की एजुकेशन का मामला है, या खुदा ना खास्ता जैसे कोविड गुजरा और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई, इवन के घरों पर राशन के मसाइल हुए, तो वो हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के मदद करते लोगों की। अच्छा इलेक्शंस होते हैं, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, तो आप लोग सहाफी भाई भाई होते हैं जाहिर सी बात है, सब दोस्त यार होते हैं, तो आप लोग एंजॉय करते हैं इलेक्शन के वक्त? भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तब शुरू हो जाता है और इलेक्शन जो आखिरी वोट कास्ट होता है तब तक हम जो है एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं, इंजॉय करते हैं भरपूर, एक दूसरे से मस्ती मजाक करते हैं। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फिर वही हम अपना पुराना लाइफ स्टाइल, दोस्ती, गैदरिंग, मिलना जुलना सबके साथ से चलता रहता है।
अच्छा मुझे बताएं, इलेक्शन से पहले इलेक्शन की तैयारियां भी होती होंगी, तो कितना टाइम लगता है? 2 महीने पहले 3 महीने पहले आप लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं? नहीं देखिए, हमारे ना लिमिटेड कारकुन होते हैं, अरकान जो होते हैं, हमारे जो मेंबरान हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसलिए हमें, और आज का जदीद दौर है, व्हाट्सएप है, हम मोबाइल फ़ोन पे रابطہ करते हैं, या जो हमें प्रेस क्लब में ज़ाहिर रोज़ हमें लोग मिलते जुलते हैं तो हम उनसे رابطہ करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, हमें 10 दिन में हम भरपूर तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और यहाँ पर हो रहे हैं दस्तूर ग्रुप के 2021 के इलेक्शन, और उम्मीद करती हूँ कि लोग जो हैं यहाँ पर जो जीतेंगे वो दूसरे सहाफ़ियों के लिए जो है काम करेंगे, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहें बागी टीवी। सहार मुगल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।